Hello students, welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about male reproductive system of human beings. Students, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का आपको पूरा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी. हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो व्हाट आर द पार्ट्स प्रेजेंट इन आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. स्टूडेंट्स, देर आर सिक्स पार्ट्स, मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज स्क्रोटल सैक, सेकेंड वन इज टेस्टिस, थर्ड डक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट्स, नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड, नेक्स्ट पेनिस एंड लास्ट वन इज द एपिडिडाइमिस. फर्स्ट जो आपने पढ़ा जिसको स्क्रोटल सैक कहते हैं, इसमें हमारे टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस बंद रहते हैं. दूसरा टेस्टिस आपने जो पढ़ा, इसमें स्पर्म्स और मेल सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है. थर्ड जो आपने पढ़ा डक्ट, डिफरेंट टाइप्स की, तो इनसे जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, उनसे इन्हीं डक्ट से होकर के आगे बढ़ते हैं. कई टाइप की डक्ट होती है, अभी हम आगे बताते हैं. नेक्स्ट जो आपने एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और जो डिफरेंट टाइप्स की सीमेन के फॉर्मेशन में भाग लेने वाली ग्लैंड्स होती हैं, वो पाई जाती हैं. नेक्स्ट जो पेनिस है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये बाहर पाया जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन है. ये फीमेल के जो वेजाइना होता है उसमें स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने के लिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स. और लास्ट है एपिडिडाइमिस, जहाँ पर स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है. स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फिगर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. स्टूडेंट्स, इसमें टेस्टिस आप देख रहे हैं, दिस इज़ द टेस्टिस. अब टेस्टिस के ऊपर एक खोल पाया जाता है, एक आउटर कवरिंग पाई जाती है, जिसे स्क्रोटम कहा जाता है. इसी स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस बंद रहते हैं और इनकी संख्या दो होती है, एक इधर पाई जाती है और एक इधर पाई जाती है. देयर आर टू टेस्टिस. स्टूडेंट, जो ब्लू कलर से राउंड किया गया है, दीज आर द टू टेस्टिस. अब टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म्स वगैरह बनते हैं, और टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं उसे स्क्रोटम बोलते हैं. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम. अब स्क्रोटम के अंदर क्यों पाए जाते हैं, ये अपने बॉडी के अंदर क्यों नहीं पाए जाते हैं? द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस को लो कर देता है बॉडी टेम्परेचर से. अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो हो आसानी से हो जाए. अगर ये बॉडी के अंदर पाए जाएंगे टेस्टिस, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है सेल्सियस, तो उसमें इनका फॉर्मेशन नहीं हो सकता, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए ये बाहर पाए जाते हैं. अब जाड़े के दिनों में देखा होगा कि ये सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ करके बॉडी के करीब पहुँच जाते हैं, ये केवल टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए. और गर्मी में ये शिथिल हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं और नीचे की तरफ लटक आते हैं, यानी नीचे की तरफ आ जाते हैं, इनकी स्किन लूज हो जाती है कि टेम्परेचर बढ़ने न पावे गर्मी में. स्टूडेंट, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड ए विद ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. आप दोनों टेस्टिस देख रहे हैं, इनकी लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई इनकी 2 से 3 सेंटीमीटर. द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग. ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्स, लाब्यूल्स उनको बोलते हैं, टेस्टिकुलर लाब्यूल्स. स्टूडेंट, इसमें आप कंपार्टमेंट देख रहे हैं, दीज आर द कंपार्टमेंट, यानी ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट. ये जितने भी कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इनकी संख्या जो है प्रत्येक टेस्टिस में, ये लगभग 250 होती है. और इनको कहा क्या जाता है, इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लाब्यूल्स.
इन्हें टेस्टिक्यूलर लाब्यूल्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ईच लाब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरेस्टिब्यूल। अब इसमें प्रत्येक के अंदर देखो कुछ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स भरी हुई है। स्टूडेंट, प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लाब्यूल इसमें देखिए बहुत मतलब वह इनकी संख्या 1 to 3 होती है। इन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी प्रत्येक कंपार्टमेंट के अंदर 1 to 3 इनकी संख्या होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। इन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 types ऑफ सेल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें 2 types की सेल्स पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, जो 2 types की सेल्स पाई जाती हैं उनमें से पहली टाइप की सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर द मेल जर्म सेल्स, इन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। स्पर्मेटोगोनिया आप देख लीजिए, ये शो किया गया है, बहुत सारी पाई जाती जर्म सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स। और सेकेंड टाइप की सेल्स होती हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स ये जो पाई जाती हैं। तो 2 types की जो सेल्स पाई जाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, ये स्पर्म्स बनाती है, और सर्टोली सेल्स क्या करती है, ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो 2 types की सेल्स हो गई। अब इसमें स्टूडेंट्स एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बड़ा करके दिखाया गया है इसमें, और इसी तरह से देखो बहुत सारी मैंने बताया कि 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। तो एक जो है गोल आकार की जिसमें ब्लैक कलर से शो किए गए हैं 2 round स्ट्रक्चर, जिनको स्पर्मेटोगोनिया और वो बताया गया है सर्टोली सेल्स। और इसी के बगल में दूसरी है, एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो बगल बगल पाई जा रही। तो 1 to 3 इनकी संख्या होती है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टीशियल स्पेसेस। अब आपको बताया गया कि 1 to 3 पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो अब उनके बीच बीच में जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं। अब उसमें जो है ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स हो सकती हैं, उनको कहा जाता है इंटरस्टीशियल सेल्स को लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स क्या करती हैं, ये मेल हार्मोन बनाती हैं, सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन। तो ये मेल में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करती हैं, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को पैदा करती हैं, और उससे मेल में कुछ कैरेक्टर्स बनते हैं ड्यूरिंग मैच्योरेशन, यानी जब मैच्योर होने लगते हैं तो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनते हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो मैंने बताया है कॉल्ड एंड्रोजन्स इनको बोला जाता है, इसमें मेन होता है टेस्टोस्टेरोन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टीशियल स्पेसेस, ये जो इंटरस्टीशियल स्पेस होते हैं उसमें और बाकी भी सेल्स पाई जाती हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स की डक्ट्स को शो किया गया है, जिसमें से पहली रेटी टेस्टिस है, रेटी टेस्टिस ये शो किया जा रहा है, इसको देख लीजिए कहाँ पर है, ये है। और दूसरा बताया गया है वासा इफरेंशिया उसको देख लीजिए। तीसरा बताया गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है। अब इसके 3 parts हैं, कैपट एपिडिडाइमिस, और दूसरा कार्पस एपिडिडाइमिस बताया गया है, और तीसरा बताया गया कार्डा एपिडिडाइमिस। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एपिडिडाइमिस। और फोर्थ जो डक्ट होती है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी की ओर, दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस। तो दीज आर द 4 main ducts। पहला कौन सा बताया, रेटी टेस्टिस, दूसरा वासा इफरेंशिया, तीसरा एपिडिडाइमिस, और चौथा कौन सा बताया, वास डिफरेंस। और ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है, ये याद रखिएगा, ये नीट में भी पूछते हैं और जनरल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBSE वगैरह में। स्टूडेंट्स,
द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो देख रहे हैं ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू द वासा इफरेंशिया। आपको बताया गया वासा इफरेंशिया कहाँ पर है, ओपन्स इनटू द वासा इफरेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस के माध्यम से इसमें खुलती है, जो रेटी टेस्टिस है रेटी टेस्टिस के माध्यम से वासा इफरेंशिया में खुलती है। द वासा इफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट एसेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो वास डिफरेंस जो है ऊपर जो चढ़ रही है एब्डोमेन में, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कॉइल करेगी जा करके, उसी में लूप बनाएगी जा करके। स्टूडेंट ये जो फिगर देख रहे हो इसमें यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पर जो वास डिफरेंस जो ऊपर मैंने बताया चढ़ रही है, तो किस तरीके से दोनों ओर से वास डिफरेंस इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है, दोनों ओर की जो वास डिफरेंस है किस तरीके से इसको कॉइल कर रही हैं, लूप बना रही हैं और नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी नीचे की तरफ आ रही हैं। और इसके बगल में सेमिनल वेसाइकिल पाई जा रही हैं, ये सेमिनल वेसाइकिल इधर भी पाई जाती है उधर भी पाई जाती है। तो सेमिनल वेसाइकिल से टू ट्यूब से निकलती है पतली पतली, और वो इसी वास डिफरेंस में आकर के मिल जाती है, यानी इधर की वास डिफरेंस और उधर की वास डिफरेंस में आकर के मिल जाती है, और मिल करके नीचे की ओर आती है यूरेथ्रा में, जिसको यूरेथ्रा बोला जाता है। अब ये यूरेथ्रा जो है आगे चल करके इजाकुलेटरी डक्ट बना देता है। इजाकुलेटरी डक्ट यानी वो टेस्टिस सॉरी पेनिस के अंदर से जो ट्यूब आती है वो इजाकुलेटरी डक्ट के रूप में आगे बढ़ती है, और इजाकुलेशन के समय जो है स्पर्म्स को आगे मूव करने में सहायक होती है। स्टूडेंट्स द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ये जो यूरेथ्रल मीटस होता है उसके थ्रू जो है ये बाहर खुलता है। स्टूडेंट द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। जो सबसे बड़ा एंड मतलब एंड वाला पार्ट होता है, मोटा भाग होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। इज कवर्ड बाई ए लूज फोल्ड दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। यानी इसके ऊपर जो है एक कवरिंग होती है स्किन की, इसको फोर स्किन बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स जो एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है, इट इंक्लूड्स पेयर्ड सेमिनल वेसाइकिल। आपको सेमिनल वेसाइकिल के विषय में बताया जा चुका है पीछे वाले फिगर में, सेमिनल वेसाइकिल आपने पढ़ लिया। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये बनी हुई है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। एंड पेयर्ड ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यानी इधर भी पाई जाती, छोटी छोटी पाई जाती हैं ग्लैंड, इधर भी और इधर भी दोनों और छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी ग्लैंड हुई, एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, सेमिनल प्लाज्मा ये जो तीनों ग्लैंड सब मिल करके सेमिनल प्लाज्मा बना रही हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये नीट का क्वेश्चन है। दिस प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। द सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। स्टूडेंट्स आई होप दैट आप लोगों को काफ़ी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विषय में कि हम लोगों में किस तरह से पाए जाते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो आगे की वीडियो हम डालें तो आप तक इजीली पहुंच जाएं, नोटिफिकेशन भी हो जाए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, और नहीं तो बाद में भी पहुँचते हैं उसका कोई मतलब नहीं।
तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखा होगा। स्टूडेंट्स थैंक्स।